दिन पहले, मैं वो भी आपसे शेयर करता हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट समझें। वो वीडियो किसने भेजा मेरे पास, एक टीवी जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है ऋचा अनिरुद्ध, जिंदगी लाइव शायद एक प्रोग्राम आता था, तो किसी ने मुझे लिंक भेजा एक शो का, मैंने उसको देखा, भरतपुर में, शायद भरतपुर में एक कपल के बारे में था वीडियो। एक व्यक्ति है जिनकी उम्र करीब 55 साल होगी, उनकी पत्नी है, वो भी 2-3 साल छोटी होंगी शायद, वो चिकित्सक हैं पति पत्नी, और उनको शुरू से लगता था कि हमें ना समाज के लिए काम करना है। उन्होंने कोई क्लिनिक नहीं खोला, कहीं नौकरी ज्वाइन नहीं की, विवाह भी इसी वजह से किया कि दोनों को एक बात की समझ थी कि हाँ समाज के लिए काम करना है, ये कंसेप्ट उनका क्लियर था। कहाँ से पैसा आएगा हॉस्पिटल का, कभी सोचा ही नहीं। अपने घर में एक सिस्टम बनाए कि जो भी व्यक्ति कल्पना से सड़क पर रहता है, घर बार नहीं है, अनाथ है, ऐसे हर व्यक्ति को अपने आश्रम में लाना शुरू कर दिया, लाके इलाज करना शुरू कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। अब खर्चा कैसे हुआ इतने सारी चीजों का, तो कंसेप्ट लॉन्च किया कि ये सब कुछ ठाकुर जी करवाते हैं, ठाकुर जी यानी कृष्ण भगवान, उनको कृष्ण जी में गहरी आस्था है, तो सब कुछ ठाकुर जी ही करते हैं, हम नहीं करते। वो जो जर्नलिस्ट हमसे पूछ रही है कि आप इतने कैसे कर लेते हैं, मतलब उनके पास हजारों की संख्या मरीज हैं इस समय, जिसको बच्चों ने छोड़ दिया पेरेंट्स को, और असाध्य रोग हैं, जहां कोई मिलता है उसको लेके आ जाते हैं, अपने आश्रम में रखते हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं उसमें काम चलाते हैं, रोज पति पत्नी एक एक पेशेंट से मिलते हैं, प्यार से बात करते हैं, उसको सहारा देना, और बड़े खुश रहते हैं वहाँ के लोग, क्योंकि उनके पास एक परिवार जैसा सिस्टम काम करता है। तो उसका इंटरव्यू लिया जर्नलिस्ट ने, तो उनसे पूछा आप कैसे कर लेते हैं, तो बोलते बोलते वो व्यक्ति लगभग रोने लगा, उसकी आंख से आंसू निकल गए, और उसने कहा हम नहीं करते, ठाकुर जी करवाते हैं। फिर उसने पूछा कि फिर भी कैसे मैनेज करते हैं, रिसोर्सेज चाहिए इसके लिए, खर्चा करना पड़ता है, तो बोले हमें आज तक चिंता ही नहीं करनी पड़ी। संस्था के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा है ठाकुर